हेलो एवरीवन, एग्जाम में बहुत स्वागत है गाइस। KGM में निकली है मल्टीपल पैरामेडिकल एंड नॉन पैरामेडिकल की पोस्ट, है ना। पैरामेडिकल की मैंने सारी पोस्ट को डिस्कस कर दिया है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो आप लास्ट वीडियोस देख सकते हो। सारी मैंने पोस्ट वाइज बता दी हैं, सारी ही निकली हैं लगभग जितनी होती हैं, ठीक है, एक्सेप्ट नर्सिंग को छोड़ के, है ना। और अच्छी निकली हैं, अच्छी क्वांटिटी में, मतलब 50 के आसपास हैं सारी सारी पर्टिकुलर पोस्ट। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ नॉन टेक की पोस्ट, जैसे कि स्टेनोग्राफर, है ना, और असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, ठीक है। इसके साथ साथ कुल लगभग 70 पोस्ट मैं इसमें डिस्कस करने आ रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। इसकी बात करते हैं, ग्रुप सी और ग्रुप बी की पोस्ट है। और हाँ, ध्यान रखना, ये जो हमें पोस्ट डिस्कस करना है वो लेवल 10, लेवल 8, लेवल 6, कुछ इस तरीके की पोस्ट हैं, ठीक है, तो वो ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहली पोस्ट बात करते हैं, जो कि है मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर, लेवल 6 की पोस्ट है, ग्रेड 2 की। 23 टोटल आपकी पोस्ट हैं इसमें। मांगा क्या गया है इसमें, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड थी एंड एक्सपीरियंस चाहिए इन द लाइन ऑफ द वेलफेयर एंड हेल्थ एजेंसी, ठीक है। तो मेडिकल पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में आपका एक्सपीरियंस चाहिए इसमें। डिजायरेबल में क्या है, स्पेशलाइजेशन वाइज द एक्सपीरियंस इन क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग इन मेडिकल सोशल वर्क इंक्लूडिंग द साइकेट्रिक सर्विसेज, ठीक है। अगर जैसे कि सोशल आपने वर्क कर रखा हो, ठीक है, किसमें, साइकेट्रिक सर्विसेज में आकर दे रखी हो, एबिलिटी टू यूज़ कंप्यूटर, और उसके साथ साथ आपको कंप्यूटर चलाना भी आना चाहिए, दैट इज टू बी डिजायरेबल। टोटल पोस्ट इसमें 23 हैं, 11 जनरल के लिए, 2 EWS के लिए, 6 OBC के लिए और 4 SC के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पोस्ट की, जिसकी एलिजिबिलिटी हम डिस्कस करते हैं, रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट, लेवल 5 की पोस्ट है। हाँ, लेवल 10 और 8 भी हैं, अभी मैं बता रहा हूँ, सच में देख लो, देख लो, 23 पोस्ट है इसमें रिसेप्शनिस्ट में, ठीक है। डिग्री मांगी गई किसी भी पोस्ट में, कोई भी पढ़ सकता है इसको। पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन इन डिप्लोमा इन जर्नलिज्म, ये मैंडेटरी है, ठीक है, ये एसेंशियल में से पढ़ना पड़ा। एक्सपीरियंस चाहिए इन रिलेशन, देखो इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, तो अगर किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको भर सकता है, ठीक है, फ्रेशर भर सकता है। अब डिजायरेबल में अगर एक्सपीरियंस इन पब्लिक रिलेशन, पब्लिकेशन एंड प्रिंटिंग पब्लिशिंग, ठीक है। दूसरा, एक्सपोजर टू वर्किंग इन पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, मतलब आपको कंप्यूटर अपना चलाना आना चाहिए, दैट इज टू बी ऑल बेसिक नीड्स, ठीक है, जो भी वर्ड है और सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इसमें भी जो पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस हिसाब से, जनरल के लिए 11 है, EWS के लिए 2, OBC के लिए 6 और SC के लिए 4, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट बात करते हैं लाइब्रेरी की, ठीक है, तो लाइब्रेरी ग्रेड 2 की जो पोस्ट है, लेवल 6 की पोस्ट है, इसमें कुल 4 पोस्ट हैं और 3 जनरल और 1 OBC है। इसमें मांगा क्या गया है, बैचलर डिग्री मांगी गई इन इक्विवेलेंट इन विद डिप्लोमा इन लाइब्रेरी इन साइंस, ठीक है, बैचलर डिग्री है उसके साथ लाइब्रेरी साइंस में आपका डिप्लोमा, वैसे और लगा हुआ है तो यहाँ पे अथवा कह सकते हो, ठीक है, और इक्विवेलेंट विद द वन इन लाइब्रेरी एंड लाइब्रेरी साइंस, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, तो जो भी बैचलर डिग्री उसमें लाइब्रेरी साइंस मेरी होपफुली हो, है ना। दूसरा, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस हो, आपने बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस से कर रखा हो, ठीक है, और लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, ठीक है, या फिर लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन से फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड से आपने कर रखा हो, तो इन दोनों में से आपके पास अगर कोई भी एलिजिबिलिटी होगी तो आप इसको भर सकते हो, या डिप्लोमा हो या डिग्री हो लाइब्रेरी साइंस में, दैट इज टू बी अलाउ, है ना। और डिजायरेबल में क्या है, डिजायरेबल में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है, एक्विजिशन ऑफ द बुक पीरियडिकली, डॉक्यूमेंटेशन वर्क इन लाइब्रेरी, ठीक है, और कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है, और इंग्लिश इन इंग्लिश 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी, ठीक है। रिसेप्शनिस्ट वाले भी थोड़े से खुश हो रहे होंगे क्योंकि उनको टाइपिंग का इसमें नहीं दिया गया, ठीक है, तो ये चीज़ अच्छी बात है, पर उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है परेशान होने की कुछ लोगों, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की, तो असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की लेवल 8 की, अब धीमे धीमे करके आप लेवल 10 की तरफ पहुंच जाएंगे, 5, 6, 7, 8 हो गए, है ना। तो इसमें अब मांगा क्या गया है, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर में डिग्री चाहिए इन किसी में भी आपने कर रखा हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फॉलोइंग फिजिकल स्टैंडर्ड, आपको फिजिकल स्टैंडर्ड हो जाए 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है, 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेबल है केवल हिल एरिया के कैंडिडेट के लिए, चेस्ट 81, ठीक है, और फुलाने पे 85, 4 सेंटीमीटर का होता है ना एक्सटेंशन, 4 से 5 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का सॉरी, ठीक है, रिलैक्सेबल के लिए, तो वो चीज़ उन्होंने दिया गया। हाँ, एक चीज़ आई कि ये मेजरमेंट, चेस्ट वाला मेजरमेंट फीमेल के लिए नहीं होगा, है ना, और शुड बी पोसेसिंग द साउंड हेल्थ एंड फ्री फ्रॉम द डिफेक्ट एंड डिफॉर्मिटीज, कोई भी आपको मेडिकल इश्यूज़, कोई भी हेल्थ वगैरह वैसी कोई भी नहीं होनी चाहिए, साउंड हेल्थ मतलब अच्छी हेल्थ होनी चाहिए आपकी, ठीक है, ये चीज़ में एसेंशियल में है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर किसी को भी कोई फिजिकल इश्यूज़ हों तो वो इसमें ना फॉर्म भरें, निकाल दिया जाएगा। विजन इसमें एकदम सही चाहिए, विदाउट ग्लासेस 6/12 का चाहिए, ठीक है, देयर शुड बी नो कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल भी चाहिए। द कैंडिडेट क्लेमिंग द रिलैक्सेशन इन द हाइट एंड चेस्ट विल हैव टू प्रोड्यूस सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड तहसीलदार ऑन देयर प्लेस ऑफ द रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर वो रिलैक्सेशन चाहता है, क्लेम करता है हाइट और चेस्ट में, तो आपको मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, तहसीलदार से, तो वहाँ से आपको ये सर्टिफिकेट बनवा के देना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका क्या है,
कि आपका एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम एटलीस्ट 5 ईयर का इन डीपिंग सिक्योरिटी प्रेफरेबल इन हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशन और द रेपिटेटिव। ठीक है, आपके रेपिटेटिव हॉस्पिटल वगैरह में आपने काम किया हो और 5 साल का एक्सपीरियंस हो, ये डिजायरेबल में नहीं है, ये एसेंशियल में है। अब डिजायरेबल में क्या इसमें दे रखा है कि आर्म फोर्सेस में जिन्होंने काम किया हो उनको ले लिया जाएगा, अदर रैंक जैसे कि सूबेदार या इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, ठीक है, सिविल पैरा मिलिट्री, ठीक है, पुलिस वाले जैसे कि जो इंस्पेक्टर हैं तो उनको इसमें ले लिया जा सकता है, अगर वो इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। मिलिट्री फोर्सेस या पैरा मिलिट्री फोर्सेस तो उनको कंसीडर किया जाएगा, है ना, जैसे अग्निवीर वगैरह तो इनको भी कंसीडर कर लिया जाएगा। एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूट 35 साल, 40-35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एज लिमिट फ्लेक्सिबल फॉर द एक्स सर्विसमैन एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स, तो जो रिलैक्सेशन मिलेगा एक्स सर्विसमैन वालों को तो वो मिलेगा। ठीक है, तो बस तो कुछ इस तरीके का आपकी जो पोस्टिंग आपकी 11 है, तो 6 जनरल में है, 1 EWS, 2 OBC और बची 2 SC की पोस्ट है इसमें। टोटल 11 पोस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब बची, मैंने 61 पोस्ट के बारे में आपको कंप्लीट डिस्कस कर दिया, अब बची 7 पोस्ट, जैसे कि 68 पोस्ट की मैंने आपको बात करी थी। तो जो लेवल 10 की पोस्ट है वो कंप्यूटर प्रोग्रामर की है, 7 पोस्ट हैं, 5 जनरल, 1 OBC और 1 SC की है। सीधा सीधा मांगा गया, कुछ खास इसमें है नहीं, BTech चाहिए, दैट्स इट, कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, और पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में। अब यहाँ पर जैसे कि और लगा हुआ है, तो इसमें एक चीज़ है कि अगर मास्टर्स वाला आ जाता है तो उसको कंसीडर कर लिया जाएगा, पर ये नहीं है कि इसमें फ्रेशर वाला भर नहीं सकता, क्योंकि और का मतलब ये होता है ये अथवा ये, एंड लगा होता तो ये दोनों चाहिए होते, तो ये चीज़ आपने क्लियर कट कर लेना। ठीक है, इसमें जो आपकी फीस लगेगी जनरल और OBC यानी EWS के लिए इन सभी पोस्टों में, है ना, 2360 लगेगी, और SC ST के लिए 1416 लगेगी। रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं, तो SC ST OBC EWS एंड हॉरिजॉन्टल में PWD वगैरह जो सभी हैं वो UP वाले ही मान्य होंगे, बाकी अदर स्टेट के एज ए UR कैंडिडेट ही लिए जाएंगे, और उनको फीस भी UR वाली ही देनी पड़ेगी। ठीक है, EWS एंड OBC वाले थोड़ा कान खोल के सुन लें, आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो नेक्स्ट चेंज हो गया है, ठीक, और आपका फाइनेंशियल ईयर 23-24 माना जाएगा, और 24-25 में सर्टिफिकेट इशू होगा। ठीक है, तो 1/4/2024 के बाद वाला ही सर्टिफिकेट मान्य होगा, इससे पहले वाला मान्य नहीं होगा, और फॉर्म भरने से पहले ही बनवा लेना, डोमिसाइल भी आप पहले बनवा लेना, हॉरिजॉन्टल वाले रिजर्वेशन अगर आप ले रहे हो तो वो भी पहले ही बनवा लेना फॉर्म भरने से पहले। ठीक है, 4% PWD, 5% एक्स सर्विसमैन, 2% डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर, ठीक है, और 20% फीमेल जेंडर के लिए। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना, एक जो एलिजिबिलिटी है जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म से पहले, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन पहले ही आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट एज जो आपकी है वो 1 जुलाई से कैलकुलेट की जाएगी, मिनिमम 18 मैक्सिमम 40। SC ST एंड OBC के लिए 5 साल का, दिव्यांग एंड डिसेबल्ड के लिए जिसमें UR भी इंक्लूड है, ठीक है, जनरल, ठीक है, उनको 15 साल का, ठीक है, और परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जिन्हें 3 साल सर्विस कर रखी है रेगुलर, तो उनको 5 साल का एज रिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, फॉर्म भरने से पहले ये सर्टिफिकेट पहले मैंने क्यों कहा था बनवा के रख लेना, तब फॉर्म भरना, वो इसलिए कहा था कि इसमें लिखा हुआ है 80 KB की आपकी फ़ोटो, 80 KB की आपके सिग्नेचर काली पेन से वाइट पेपर पे, है ना, ईमेल आईडी, वैलिड ईमेल आईडी, आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर, ये तीनों, ठीक, और क्या डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ठीक है, जो जिसमें नंबर होते हैं वो मार्कशीट होती है, जो सर्टिफिकेट या सनद होती है वो उसमें, तो जिसमें लिखा होता है डिक्टेंशन लिए या फिर ऑनर्स हैं आपके पास ग्रेजुएशन में, वो 10th 12th डिप्लोमा या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, जैसे कि आपने अभी इस पोस्ट इस मैंने जो भी 5-6 पोस्ट डिस्कस करी है ना, तो उसमें जो पहली वाली पोस्ट थी तो उसमें मास्टर डिग्री मांगी गई थी, और जैसे भी BTech वाले में कंप्यूटर प्रोग्राम में भी मास्टर डिग्री मांगी गई है ना, तो वो अगर आपके पास है तो वो आपको अपलोड कर देनी है, इन सभी सभी जो भी आपके पास हो, 10th 12th मैंडेटरी, बाकी जो पोस्ट हैं डिप्लोमा डिग्री एंड ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वो डिपेंड अपॉन योर पोस्ट, है ना, और क्या अपलोड करना है, का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है अगर रिलैक्सेशन ले रहे हो तो, ठीक है, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो, ठीक है, और रेगुलर एम्प्लॉयमेंट जो भी है जैसे कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं रेगुलर वाले, उनको NOC अपलोड करना पड़ेगा फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, अगर 3 साल से ज़्यादा है, 3 साल हो चुका है आपकी सर्विस को रेगुलर, तो 5 साल का रजिस्ट्रेशन मिलेगा, अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा, बट दोनों ही केसेस में आपको NOC सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं आपके जो सिलेक्शन प्रोसीजर की, ठीक है, और पेपर के पैटर्न की, ठीक है, वो मैं आपको बता दूँ, है ना, वो आपका कुछ कुछ सिलेक्शन प्रोसेस कुछ इस हिसाब से है कि आपका जो कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है, और कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। दिमाग में आ रहा होगा भाई कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट तो उसमें क्या होगा कैसे होगा, ठीक है, वो भी बता देता हूँ और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट है वो 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, मतलब हर क्वेश्चन 1 नंबर का, 2 घंटे का आपका पेपर होगा, ठीक है, और दोनों ही पेपर इंग्लिश और हिंदी में आएंगे, ठीक, और सारे क्वेश्चन MCQs होंगे। आपका पेपर कंप्यूटर बेस्ड या पेन पेपर बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड मतलब माउस से आपको फॉर्म भरना, मतलब कंप्यूटर पे जाके माउस से आपको आंसर देने पड़ेंगे, और पेन पेपर बेस्ड मतलब गोले भरने पड़ेंगे OMR शीट वाला। ठीक है, अब पेपर का आपका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस हिसाब से होगा
क्या का जो पोस्ट से रिलेटेड टैग का है, ठीक है, वो आएगा 60 नंबर का, मतलब 60 क्वेश्चन, ठीक, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, रीजनिंग और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, ये सारे 10 10 10 10, ये सारे 10 10 के आएंगे, ठीक, 10 मार नंबर मतलब 10 क्वेश्चन, क्योंकि हर क्वेश्चन एक नंबर का, ठीक, और एक तिहाई आपकी निगेटिव मार्किंग है, तो ये चीज़ सोच के पेपर करना। हाँ, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने चाहिए वो मैं भी बता दूँ, 50% चाहिए जनरल, EWS एंड OBC के लिए, और 45% चाहिए SC और ST के लिए, ठीक, और कोई भी पेमेंट नहीं दिया जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए, DV के लिए या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो बस वीडियो में बस इतना ही, अप्लाई करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंडिविजुअल सिलेबस वो आपको मैं डिटेल वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो इन सभी वीडियो के लिए, सिलेबस के लिए, चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ एक ब्यूटीफुल कमेंट जरूर कर देना, थैंक्स या फिर जो भी हो, अगर अच्छा लगा हो तो, ठीक है, नहीं तो जो आपके मेरे जो आप कमेंट में बोल सकते हो, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। जय हिंद।